हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया स्टूडियो डॉट कॉम के प्रेजेंटेशन पार्ट में आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि ऑल इंडिया स्टूडियो डॉट कॉम फोटोग्राफर को किस तरह से हेल्प करती है। इसके लिए हम ऑल इंडिया स्टूडियो डॉट कॉम वेबसाइट को ओपन करेंगे। India's first online photo selection software, All India Studio. Welcome to you. Please enter your login details. तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि वेबसाइट ओपन हो गई है। इसको हमने 31 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया था। अब तक इसमें कितने यूज़र, कितनी फ़ोटोग्राफ्स अपलोड और कितनी फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट हो गई हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं आपको इसका पहला बेनिफिट बताऊँगा। जब आप फंक्शन खींच कर पार्टी को फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट करवाते हैं, या तो आप उन्हें अपने स्टूडियो पर सेलेक्ट करवाते हैं या पेन ड्राइव या DVD में लोअर रेजोल्यूशन की फ़ाइल बनाकर देते हैं, तो उसमें से कुछ लोग कंप्यूटर में डाटा कॉपी कर लेते हैं और फ़ोटो सेलेक्ट नहीं करते, तो इससे हमें काफ़ी परेशानी होती है। तो अब आपको उन्हें फ़ोटोग्राफ देने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि इस वेबसाइट पर चलता है। इस वेबसाइट में आपका एक अकाउंट बनेगा। आपने अपने अकाउंट में लॉगिन करके सारी फ़ोटोग्राफ्स को वेबसाइट पर अपलोड कर देना है और अपनी पार्टी को यूज़र और पासवर्ड देना है। यूज़र और पासवर्ड आप खुद बना सकते हैं। 1000 फ़ोटोग्राफ्स अपलोड होने में 5 मिनट लगते हैं और 1 GB नेट में आप 30,000 फ़ोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही पार्टी वेबसाइट खोलकर यूज़र और पासवर्ड डालेगी, उसको फंक्शन के फ़ोटोग्राफ दिखने शुरू हो जाएंगे। पार्टी ना तो फ़ोटोग्राफ डाउनलोड कर सकती है और ना ही फ़ोटोग्राफ सेव कर सकती है। वो प्रिंट स्क्रीन भी नहीं कर सकती। जैसे ही वो प्रिंट स्क्रीन करने की कोशिश करेगी, उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। वो सिर्फ फ़ोटोग्राफ देख सकती है और सेलेक्ट कर सकती है, और वो तब तक देख सकती है जब तक आप चाहते हो। जब आप यूज़र और पासवर्ड डिलीट कर दोगे, उसे फ़ोटोग्राफ दिखनी भी बंद हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारा डाटा हमारे पास सेव रहता है और पार्टी अपने मोबाइल पर फ़ोटोग्राफ देख सकती है और सेलेक्ट कर सकती है। इसका दूसरा बेनिफिट है, जिस समय आप लोग फंक्शन खींचते हो, उस समय बहुत से लोग हमारे से एक्स्ट्रा फ़ोटोग्राफ खिंचवाते हैं। अगले दिन ना तो वो लोग हमारे स्टूडियो पर फ़ोटो लेने आते हैं और ना ही हम उनसे संपर्क कर पाते हैं, और जिसने वो फंक्शन बुक कराया होता है वो उन सब की फ़ोटोग्राफ्स कटवा देते हैं। तो इस तरह हमारे बहुत सारे फ़ोटोग्राफ कट जाते हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। तो अब आप इस वेबसाइट की मदद से उस नुकसान को भी रोक सकते हैं। जब आप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो हम पार्टी को बोल देंगे कि आपने अपनी फ़ोटोग्राफ देखनी है तो आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो वो पार्टी कहीं से भी आई हो, वहीं पर वेबसाइट ओपन करेगी और अपना फ़ोटो देख लेगी और अपना ऑर्डर बता सकती है कि उसको फ़ोटो किस साइज़ में बनवाना है। तो इस वेबसाइट की मदद से हमें अलाजमेंट का काम भी मिलता है। इसका तीसरा बेनिफिट, इस अकाउंट को आप अपने स्टूडियो की ऐड के लिए भी यूज़ कर सकते हो। हमारे कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको हमें फ़ोटोग्राफ देनी पड़ती हैं, हम उनको मना नहीं कर सकते। उस कस्टमर के फ़ोटोग्राफ्स भी हम इस वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे और उसे यूज़र और पासवर्ड दे देंगे और कह देंगे कि आपने अपनी वेडिंग की फ़ोटोग्राफी जिसको भी दिखानी हो, आप इस वेबसाइट पर दिखा सकते हो। तो जब आपका कस्टमर यूज़र और पासवर्ड अपने रिश्तेदारों को देगा, उनके रिश्तेदार भी इस वेबसाइट पर फ़ोटोग्राफ देख सकते हैं, जिससे हमारे स्टूडियो की ऐड होती है और लोगों को हमारी वीडियोग्राफी और फ़ोटोग्राफी के बारे में पता लगता है, जिससे हमारे नए क्लाइंट बनते हैं और जिसको हमारा काम पसंद आएगा वो हमें अपना फंक्शन भी बुक करवा सकता है। इसका चौथा बेनिफिट यह है कि इस अकाउंट में आप अपने स्टूडियो के कैमरे को सीरियल नंबर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर आपका कोई कैमरा चोरी हो जाता है तो यह वेबसाइट उस कैमरे को ढूंढने में आपकी मदद कर सकती है। जिसने भी आपका कैमरा चोरी किया होगा, वो आपका कैमरा किसी न किसी फ़ोटोग्राफर को तो सेल करेगा, और जो भी फ़ोटोग्राफर उसको खरीदेगा उसे ये नहीं पता होगा कि कैमरा चोरी का है। और जैसे कि हमारा नेटवर्क पूरे इंडिया में है, वो फ़ोटोग्राफर भी अपना कैमरे का नंबर इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करेगा, तो एक ही नंबर 2 बार रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो जिसने पहले वो नंबर रजिस्टर्ड किया होगा, उसके फ़ोन पर दूसरे फ़ोटोग्राफर का फ़ोन नंबर और एड्रेस आ जाएगा। तो इससे हमें एक उम्मीद हो सकती है कि हमारा कैमरा मिल जाए। इसका 5वां बेनिफिट यह है कि अगर आपकी कोई पार्टी आपसे एल्बम वीडियो ले जाती है या पेन ड्राइव में फ़ोटोग्राफ ले जाती है और आपका भुगतान नहीं करती, तो आप उस पार्टी से बकाया भुगतान प्राप्त करने के लिए कानूनी सहायता ले सकते हैं। जब आप अपना अकाउंट बनवाएंगे तो ऑल इंडिया स्टूडियो की तरफ से आपको बुकिंग फॉर्म मिलेंगे। आपने फंक्शन बुक करते समय अपनी पार्टी से वो फॉर्म साइन करवाना है, जो कि बाद में आपको हेल्प कर सकता है। यह सुविधा ऑल इंडिया स्टूडियो से जुड़े सभी फोटोग्राफर्स के लिए निशुल्क है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि ऑल इंडिया स्टूडियो डॉट कॉम वेबसाइट कैसे काम करती है। इसके लिए हम यूज़र नेम अंकुर और पासवर्ड अंकुर टाइप करेंगे। इस तरह से यूज़र और पासवर्ड आप खुद बना सकते हो। यूज़र पासवर्ड डालने के बाद हम एंटर करेंगे। जैसे ही हमने एंटर किया, सबसे पहले कस्टमर को हमारे स्टूडियो का नाम नजर आएगा। प्लीज वेट,
Your account will be open. Welcome to our studio. For select your photographs, click on all photo. जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कपूर फोटोग्राफी लिखा हुआ है, इस तरह से आप अपने स्टूडियो का प्रोफाइल लगा सकते हो। उसके बाद में अपनी फोटो, उसके बाद कैंडिड फोटोग्राफी की स्लाइड, उसके बाद फोटोग्राफी प्रोडक्ट। यह प्रोडक्ट और इनके रेट आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। आप चाहो तो इन प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकते हो। किसी भी कस्टमर को अपनी फ़ोटो इन प्रोडक्ट में बनवानी हो तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसके बाद वीडियो, यह वीडियो आप खुद मैनेज कर सकते हो। इसमें हम प्री वेडिंग हाईलाइट का डेमो डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे कोई भी कस्टमर अकाउंट ओपन करेगा उसको हमारी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के बारे में पता चलता है। यह हमारा ऑनलाइन स्टूडियो जो दिन रात हमारे लिए काम करता है तैयार हो जाता है। इसके बाद मैं आपको इसके बाकी फंक्शन बताऊंगा। अगर कस्टमर को अपनी एल्बम देखनी है तो व्यूज एल्बम पर क्लिक करेगा। अगर कस्टमर को अपने वीडियो देखना है तो व्यूज वीडियो पर क्लिक करेगा। अगर कस्टमर को अपनी फोटोग्राफी का एक एक फोल्डर देखना है तो व्यू सिंगल फोल्डर पर क्लिक करेगा। किसी कस्टमर को सिर्फ कैंडिड की फोटोग्राफ ही देखनी है तो वो यहाँ पर क्लिक करके देख सकता है, और उसको सारा फंक्शन देखना है तो व्यू ऑल फोल्डर्स पर क्लिक करके देख सकता है। जैसे वो व्यू ऑल फोल्डर पर क्लिक करेगा उसको फंक्शन के फोटोग्राफ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। प्लीज क्लिक ऑन सिलेक्ट बटन टू चूज द फोटोग्राफ एंड इन केस यू विश एनी फोटो टू बी एनलार्ज्ड देन क्लिक ऑन हाईलाइट। आप देख रहे हैं कि फोटोग्राफ्स ओपन हो गई हैं। अब अगर फोटोग्राफ्स बड़ी करके देखनी है तो वो व्यू लार्ज पर क्लिक करेगा और देख सकता है। अब हर फोटोग्राफ्स पर सेलेक्ट का बटन है, जो भी फोटोग्राफ सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट बटन पर क्लिक करेगा और वो फोटो सेलेक्ट हो जाएगी। 4, 5। अगर कोई फोटोग्राफ गलती से सेलेक्ट हो जाए तो वो सिलेक्टेड वाले बटन पर क्लिक करेगा और वो फोटो डीसेलेक्ट हो जाएगी। अब कस्टमर यह चाहता है कि यह फोटो एल्बम में बड़ी करके लगाई जाए तो वो हाईलाइट वाले बटन पर क्लिक करेगा और वो फोटो हाईलाइट हो जाएगी। बाद में आपको पता लग जाएगा कि कस्टमर ने कौन कौन सी फोटोग्राफ्स सेलेक्ट की हैं और कौन कौन सी फोटोग्राफ्स हाईलाइट की हैं। अब सारी सिलेक्शन होने के बाद लास्ट में कस्टमर को यहाँ पर पता लगता है कि उसने कितनी फ़ोटो सेलेक्ट कर ली, और कस्टमर इस बटन पर क्लिक कर देगा। जैसे ही वो इस बटन पर क्लिक करेगा आपको एक SMS आएगा जिसमें आपको यह पता लग जाएगा कि आपके कौन से यूज़र ने कितने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद कस्टमर को यहाँ पर पता लगता है कि मैंने कितने फ़ोटो सेलेक्ट किए। अब मैं आपको इसकी सिक्योरिटी चेक करवाता हूँ। सबसे पहले इसमें आपके स्टूडियो का लोगो लगा हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली लग जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें बारीक सी जाली लगी हुई है जो कि आपके पूरे पेज पर है। इसका यह फ़ायदा है कि अगर कस्टमर अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचता है तो सारी फ़ोटोग्राफ्स पर डॉट डॉट आ जाते हैं। उसके बाद इसमें राइट क्लिक भी बंद है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ। और अगर कोई कस्टमर इस पे प्रिंट स्क्रीन करता है तो ये अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। Oops, you have tried to use print screen, so your account has been blocked. Please contact your administrator. जैसे कि आपने देखा कि अकाउंट ब्लॉक हो गया, अब यह सॉफ्टवेयर हैंग हो गया। अब कस्टमर सिर्फ ओके पर ही क्लिक कर सकता है। जैसे ही वो ओके पर क्लिक करेगा उसका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन फोटो सिलेक्शन सॉफ्टवेयर ऑल इंडिया स्टूडियो वेलकम टू यू, प्लीज एंटर योर लॉगिन डिटेल्स।
और आपके फ़ोन पर एक SMS आएगा जिसमें आपको यह पता लग जाएगा कि आपके कस्टमर ने फोटोग्राफ्स कॉपी करने की कोशिश की है, इसीलिए उसका अकाउंट बंद हो गया। अब कस्टमर दोबारा इस अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता। जैसे कि हम एक बार लॉगिन करके देखते हैं, सॉरी योर लॉग इन डिटेल्स इज रॉन्ग, प्लीज कॉन्टैक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर। अब कस्टमर आपको फोन करके बताएगा कि उसका अकाउंट नहीं खुल रहा। अब आप उस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो अपने यूजर पासवर्ड से वेबसाइट में लॉगिन कीजिए। यूजर नेम में यूजर आईडी और पासवर्ड में पासवर्ड। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। प्लीज वेट, योर अकाउंट विल बी ओपन। आपने सिलेक्शन वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपने सिलेक्शन वाली ऑप्शन को सिलेक्ट किया, आपके सामने एक चार्ट आएगा जिसमें आपके सारे यूजर नेम और पासवर्ड आपको नजर आएंगे। अंकुर का अकाउंट ब्लॉक हुआ था तो अंकुर के सामने वाला बटन डीएक्टिवेट हो गया। इस पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे वो अकाउंट दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। योर यूजर हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। अब आपका कस्टमर दोबारा से फोटोग्राफ देख सकता है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि आपको कस्टमर की सिलेक्शन कैसे पता लगेगी। उसके लिए व्यू डिटेल पर क्लिक करना है। आपको डिटेल नजर आएगी। जिस फोल्डर की डिटेल देखनी है उसके सामने डाउनलोड लिस्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। एक फाइल आपके कंप्यूटर में आएगी। फोटो नंबर इज डाउनलोडिंग। उसमें वो सारे नंबर हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। अब इन नंबरों को आपके ओरिजिनल फोल्डर से अलग करने का भी सॉफ्टवेयर हम देंगे। उसके लिए आपने डेस्कटॉप पर ऑल इंडिया स्टूडियो नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसको आपने ओपन करना है। टेक्स्ट फाइल में हम वो फाइल सिलेक्ट करेंगे जो इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर में आई है। फोल्डर में हम वो फोल्डर सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारी ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं। जैसे हम इसको सबमिट करेंगे हमारे ओरिजिनल फोल्डर में से वो फोटो अलग हो जाएंगे और अब सी ड्राइव में सिलेक्टेड फोटो के नाम से एक फोल्डर बनेगा, उसमें सेव हो जाएंगी। तो आपने देखा ये सॉफ्टवेयर इस तरह से काम करता है।